नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से राइड स्पार्क के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रा V30 की। टाटा की ओर से एक स्मार्ट पिकअप, टाटा ने इंट्रा सीरीज को सबसे पहले V10 से लॉन्च किया था, उसके बाद V20 और फिर V30। हाल फिलहाल सिर्फ V10 और V30 मॉडल ही टाटा द्वारा मार्केट में दिए जा रहे हैं। V20 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। टाटा इंट्रा V30 2019 में लॉन्च किया गया था। इंट्रा V30 सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। इसकी रेंज शुरू होती है 1,648,000 से और इसके टॉप मॉडल एसी वेरिएंट की प्राइस है 7,62,000 रुपीज। इसमें काफ़ी एट्रैक्टिव फ्रंट डिज़ाइन दिया गया है। इंट्रा V30 को टाटा की न्यू टफ डिज़ाइन फिलोसोफी के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे मिलती है बेहतरीन लुक्स और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन। टाटा इंट्रा ऐसे कस्टमर के लिए है जो हाई लोड और लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, वो भी बेहतरीन कम्फर्ट और रिलायबिलिटी के साथ। अभी तक 50,000 से ज़्यादा इंट्रा की यूनिट जो है सेल हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में। फ्रंट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बोल्ट क्रोम ग्रिल, सेंटर में टाटा मोटर्स का लोगो, इंट्रा व V30 की बैजिंग और हेलोजन हैंडलैम्प विथ टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। फोक लैम्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। दो वाइपर्स दिए गए हैं वॉशर के साथ। लार्ज विंडशील्ड मिलता है इंट्रा V30 में, जिससे ड्राइवर को मिलती है बेहतरीन विजिबिलिटी। इंट्रा को वर्ष 2019 में CV ऑफ द ईयर और SCV ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। इंट्रा में भारत सरकार के द्वारा लागू BS6 नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कई सारे बदलाव किए गए हैं। साथ ही ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा फायदे के लिए भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। इंट्रा V30 अपने कस्टमर को 6 वादे करती है, तो चलिए बात करते हैं एक एक वादे की। नंबर 1 है बड़ी कमाई। इसका 8.8 फीट और 5.3 फीट का बड़ा लोडिंग एरिया आपको ज़्यादा और विभिन्न प्रकार के माल लोड कैरिंग करने का अवसर देता है। 1300 kg का रेटेड पेलोड ज़्यादा सामान उठाने की क्षमता देता है, जिससे आपको मिलता है ज़्यादा मुनाफा। रेडियल 14 इंच के बड़े और चौड़े टायर V30 को अच्छे और ख़राब सभी प्रकार के रास्तों पर जाने के लिए काबिल बनाते हैं। दूसरा वादा है बड़ी ताकत। इसमें आपको 1500 cc का 4 सिलेंडर CID टर्बोचार डीजल इंजन मिलता है, जो आपको 70 PS का पावर और 140 Nm का टॉर्क देता है। 4 वाल प्रति सिलेंडर इस इंजन में दिए गए हैं, जिससे मिलती है बेहतर परफॉर्मेंस। 2000 बार का यहाँ पर फ्यूल प्रेशर मिलता है, जिससे हमें मिलती है हायर माइलेज। दमदार इंजन के कारण भारी माल उठाने के साथ साथ लंबी दूरी तय करने में भी ये इंजन इसे सक्षम बनाता है। इसका जबरदस्त पिकअप 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 13.86 सेकंड में पहुँचाता है, जिसके कारण आप ज़्यादा ट्रिप लगा पाएंगे, अब आगे कमाई का अवसर भी पाएंगे। हाइड्रोफॉर्मिंग टेक्निक से यहाँ पर चेचिस बनाई गई है, जिसके कारण इसमें कम जॉइंट्स है, जिससे चेचिस बने और भी मजबूत और भारी माल उठाने के लिए सक्षम। तीसरा वादा है बड़ी परफॉर्मेंस। इसमें 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गाड़ी आराम से बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आसानी से पार कर सकती है। 37% ग्रेडेबिलिटी, किसी भी बड़े से बड़ा फ्लाईओवर और गार्ड सेक्शन पर चढ़ने की दे सहूलियत। 215 mm का हाइड्रोलिक क्लच आपको देता है आराम के साथ बेहतर परफॉर्मेंस। इसमें आपको सस्पेंशन में फ्रंट में 5 सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग और पीछे 8 लीफ स्प्रिंग दिए जाते हैं, जिससे गाड़ी की लोड उठाने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही आपको आफ्टर मार्केट कबाड़ी पत्ते बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चौथा वादा है बड़ा आराम। इंट्रा में नए जमाने का बड़ा वॉक थ्रू केबिन दिया गया है। केबिन का बड़ा स्पेस दे आपको लंबे सफर में आराम करने की सहूलियत। एडजस्टेबल और कंफर्टेबल सीट्स दे बेहतरीन आराम, जिससे आप इंट्रा को बिना रुके लंबी दूरी तक चला सकते हैं। केबिन डैशबोर्ड में आपको ऊपर यहाँ पर देखिए ग्रैब हैंडल दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम, एसी वेंट्स, एसी कंट्रोल स्विच और यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको गियर लीवर और पार्किंग लीवर, ब्रेक लीवर जो है यहाँ पर आपका दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है, आपकी मोबाइल चार्जिंग और दूसरी एसेसरीज को चलाने के लिए। पीछे आपको पीपअप विंडो मिलता है, जिससे आप अपने कार्गो स्पेस की देखरेख कर सकते हैं। नॉन एसी वेरिएंट में ये ग्लास जो है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ मिलता है। इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग यहाँ मिलती है, जो आपको आसानी से दे गाड़ी मोड़ने में सहायता। इसमें 5.25 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होगा, गाड़ी आसानी से कहीं से भी इजीली घूम सकती है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर जो है, इसमें आपको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर होने से आपको मिलती है बेहतरीन सहूलियत। पांचवा वादा है बड़ी बचत। इसमें आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर मिलता है, जो आपको इंट्रा को चलाते समय दे गियर बदलने की सलाह, जिससे आपको मिले अधिक माइलेज। सेकेंड यहाँ पर इको स्विच दिया गया है। इको स्विच जो है, इसका यूज हम करते हैं जब आपकी गाड़ी कम पेलोड पे चल रही है और हाईवे पर आप चला रहे हैं, तो जैसे ही आप इको स्विच को प्रेस करते हैं, आपके गाड़ी का जो इश्यू है वो आपका फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, उसको
डिक्रीज कर देता है, जिससे आपको मिले बेहतरीन माइलेज। यहाँ पर टाटा मोटर्स के द्वारा कस्टमर के मन की शांति के लिए 2 साल और 72,000 किलोमीटर की वारंटी दी गई है। साथ ही एक्सल सस्पेंशन और गियर जो है काफ़ी रिलायबल हैं टाटा की ओर से, जिससे आपको इस पर रखता है कम रख रखाव। छठा आपका वादा है बड़ी कमाई। इंट्रा की बड़ी लोड बॉडी, मजबूत सस्पेंशन, बड़े टायर और ताकतवर इंजन, जबरदस्त पिकअप और ग्रेविटी इसे ज़्यादा लोड और ज़्यादा ट्रिप लगाने के लिए सक्षम बनाती है, जिससे आपको मिले बड़ी कमाई करने का अवसर। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर मिलता है, जिस पर आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। किसी प्रकार के वार्निंग साइंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपके फ्यूल माइलेज ये सब शो आपको यहाँ पर होता है। इसमें 35 लीटर का जो है फ्यूल टैंक दिया गया है। 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको इंट्रा V30 में लोडेड कंडीशन में मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में, अनलोड कंडीशन में यहाँ पर आपका 18 से 20 तक का माइलेज आपको मिलेगा। सेफ्टी के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट दिए गए हैं। क्रम्पल डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है, जिससे एक्सीडेंट के दौरान फ्रंट पैसेंजर को और ड्राइवर्स को कम से कम नुकसान पहुँचता है। सर्विस शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन ऑयल जो है हर 10,000 किलोमीटर पर चेंज कराना है, कूलेंट चेंज जो है आपको हर 40,000 किलोमीटर पर कराना है। तो काफ़ी लॉन्ग सर्विस इंटरवल यहाँ पर इंट्रा V30 में आपको मिलते हैं। फ्यूल फिल्टर जो है उसके चौक होने पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसका वार्निंग इंडिकेशन जो है आ जाता है, जिससे ड्राइवर को पता लग जाता है कि मेरा फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर जो है वो आपका चौक हो गया है। अगर आप इंट्रा V30, इंट्रा V10 से जुड़े इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वार्निंग साइन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे होम ऑप्शन पर जाकर आप यहां पर सभी शॉर्ट्स वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। यहां पर कई सारे वार्निंग इंडिकेटर्स के शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जिससे ड्राइवर भाइयों को काफ़ी आसानी होगी। तो आज के वीडियो में हमने इंट्रा V30 के पूरी जानकारी हमने ली। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इंट्रा V30 कैसे लगी, क्या आप इस इंट्रा V30 को अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेस करेंगे। और आप कमेंट में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप अब और कौन सी नेक्स्ट पिकअप का या कौन सी गाड़ी का आप यहाँ पर रिव्यू चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक 98% व्यूअर ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइब बिना किए बिना आपका चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।